क्या होगी आखिरकार पावर, लोग जानना चाहते हैं। और ये पावर जो भी है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या पावर है, और वो पावर आखिरकार सना मकबूल, विशाल और लव केश कटारिया किसको देना पसंद करेंगे। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग भी जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि घर के अंदर एक मैसेज आया है। मैसेज में ये साफ तौर पे लिखा गया है कि नैजी ने जो है सना सुल्तान, सना मकबूल और रणवीर और अरमान के हवाले से जो है उनके साइड से जो है एक परफॉर्मेंस की है। तो अब आप बताइए कि आप इसमें से किस एक को घर चलाने की पावर देना चाहेंगे, यानी कि पावर है घर चलाने की। तो यानी कि कोई एक जो है कैप्टन बन सकता है, हालांकि उसके साथ बिग बॉस उसको कोई और पावर देंगे, या उसको नॉमिनेशन से सेव करेंगे, या वो आने वाली नॉमिनेशन से सेव होगा, ये तो बिग बॉस के ऊपर ही डिपेंड है। क्योंकि हर बार इस घर को अगर कोई चलाता है तो वो एक कैप्टन होता है, और कैप्टनसी जीतने का एक ही मकसद होता है हर किसी का, कि उसके साथ जो है वो उसको जो है अगले नॉमिनेशन में वो सेव हो सकता है। अब ये सब चीज़ें जो है बात कर रहे हैं सना मकबूल, लवकेश और विशाल, जहाँ पर सना मकबूल को ये चीज़ समझ नहीं आती। सना मकबूल थोड़ी कंफ्यूज होती है और वो यही बात बोलती है कि यार पावर पता नहीं है, है क्या है। तो विशाल बोलता है कि पावर घर चलाने की है, उसमें लिखा हुआ है। तो सना मकबूल देखती है कि हाँ क्या लिखा हुआ है, कि अच्छा यार तुझे, मुझे लगा तुझे पता नहीं कहाँ से पता चल गया, तो अच्छा घर चलाने की पावर है। तो वहाँ पर ये तीनों बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर रणवीर जी बन गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विशाल भी बोलता है, सना भी बोलती है, और इवन जो लवकेश भी बोलता है, पर कोई और नहीं बनना चाहिए। यानी कि इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई और, यानी कि अरमान या सना सुल्तान, सना सुल्तान ये घर नहीं चला पाएगी। कोई भी जो है सना सुल्तान का नाम नहीं लेगा, मुझे भी जहां तक पता है अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी जो है अगर जाएगी तो अरमान की तरफ जाएगी। पर ये तीनों का कहना ये है कि अरमान नहीं बनना चाहिए, तो सीधा सीधा रणवीर भी चल गया, रणवीर भी बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी कुछ ना कुछ घर में कुछ ना कुछ करता रहता है, घर जो है वो चलाता ही रहता है। तो अब पावर है घर चलाने की, अब आप लोग बताइए कि आप किसको घर चलाते हुए देखना चाहते हैं। इन तीनों ने तो अपना डिसीजन सुना दिया है। रणवीर अगर उसके हाथ में पावर आई तो ये लोग खुश हैं, पर किसी और के हाथ में पावर आई तो प्रॉब्लम होगी। अगर इन लोगों ने बात कर ली है तो बिग बॉस वाइट ट्विस्ट ज़रूर लेके आएंगे, अरमान को ही बनाएंगे, अरमान के हाथ में ही पावर जो है बिग बॉस पक्का देंगे अरमान के हाथ में, कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि वो उंगलियाँ तो करता रहता है। अब फिर इनके नाक में और भी ज़्यादा दम करे, और जब जिसके हाथ में पावर आएगी, पावर आते ही ड्यूटियाँ बांटी जाएगी। अभी ड्यूटियाँ अगर बांटी जाएगी तो जो मतलब कि ये रोटियाँ बनाने का काम कर रहा है, क्या मालूम उसको बाथरूम की ड्यूटी दे दी जाए, तो इसमें जो है बवाल होगा। और बिग बॉस जो है इस तरीके की गेम खेल रहे हैं। क्या है आपका कहना, मज़ा आ रहा है मेरे गॉसिप सुन के और लाइव फिट देख के?